You are live. I am live. I want to interact. I want to see your comments on YouTube. पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे comments. Live chat. एक बंदे का लाइक आ गया है मुझे कोई भी कॉमेंट्स नहीं दिख रहे यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे मुझे कॉमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे क्यों नहीं दिख रहे लफड़ा है Let's try here. लफड़ा है एक दो लोग दिख रहे भाई कोई कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो सब बराबर है क्या हाँ आकाश पावले थैंक यू ब्रो हाय तो आया इसका मतलब है कि कमेंट दिख रहा है अपने को और ऑल गुड यार ऑल गुड हाउ आर यू डूइंग यू आर द फर्स्ट वन जॉइनिंग माई लाइव सेशन एक्चुअली मैं शाम से ही ट्राई कर रहा हूँ लाइव सेशन करने का ऑडिबल हूँ क्या एक कमेंट मार दो बस कि ऑडिबल हूँ बराबर बाकी और कोई अपने को टेंशन है नहीं यहाँ पे तो अगर ऑडिबल हूँ तो फिर सब कुछ सही है भाई और कुछ नहीं मांगता अपने को जिंदगी में अभी के लिए ऑडिबल <laughs> है अरे वाह 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 यस थैंक यू यार थैंक यू वेरी मच ऑडिबल वेरी नाइस आई एम ऑडिबल टू ऑल ग्रेट न्यूज़ कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो हाँ अब ठीक है मेरा जहाज भी आ जाए थोड़ा लेफ्ट में हाँ जी हाँ मस्त है ये लाइट प्रॉब्लम कर रही है आई थिंक इसको ऑफ़ कर देते हैं yes, यस ये प्रॉब्लम थी चलो भाई लोग अब आई थिंक मैं बड़े आराम से बैठ गया हूँ या hmm. yeah. तो आज मेरा प्लान था नौ बजे लाइव आके आप लोगों को धनंजय के बारे में बताने का मगर ये मेरा यूट्यूब पे लाइव सेशन काफ़ी दिन के बाद मैं कर रहा हूँ तो हुआ ऐसा कि भाई अपने को पता नहीं था क्या करना है मैंने पहले गोप्रो कैमरा ट्राई किया कि गोप्रो कैमरे से लाइव सेशन करते दे तो वो तो वर्कआउट हुआ नहीं तो फाइनली मैं मोबाइल फ़ोन से ही लाइव सेशन कर रहा हूँ और ये लाइव सेशन मस्त चल रहा है दरिया शिपिंग दरिया शिपिंग दरिया शिपिंग प्रमोशन के लिए ठीक है करियर स्टार्ट करने के लिए ठीक है बाद में चेंज कर लेना ओके okay, तो और भाई लोग क्या चल रहा है नॉट वॉचिंग आई अरे यार आई अगर आई पी एल तो ये सब जो मैं डेली ब्लॉग अभी ट्राई कर रहा हूँ वो सब नहीं कर पाऊँगा आगे ऐसा है कि भाई अपना फ्री टाइम डालने का है इसमें फैमिली टाइम और अपना जिम टाइम घूमने फिरने का टाइम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं यूट्यूब के लिए तो सिर्फ मैंने एक ही काम किया है अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम कर दिया है और यही सब टेलीविजन देखना तो एकदम ही बंद कर दिया है तो इस टाइम में मैं ये सब करता हूँ और मुझे लगता है एक आई मैच देखने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन एक कुछ ढंग का वीडियो डालने में होता है फेवरेट आई टीम आर फॉर विराट कोहली माई अंकल इज़ चीफ इंजीनियर गया ये कमेंट यार एक मिनट आई शुड यूज़ माय लेफ्ट हैंड ताकि व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना हो यस अंकल इज चीफ इंजीनियर इन के लाइन आई एम इन टेंथ शुड आई ज्वाइन मर्चे नेवी नहीं भाई टेंथ में क्यों मर्चे नेवी ज्वाइन कर रहे हो ट्वेल्थ करो ट्वेल्थ करो और डेक्साइड ज्वाइन करना है तो उसके बाद डीएनएस ट्रेनिंग करो स्पॉन्सरशिप लो पहले और अगर इंजीनियर बनना है तो फिर अपना मरीन इंजीनियरिंग करो उसके बाद जी एम ई करो लेकिन सब कुछ के लिए पहले स्पॉन्सरशि मांगता है अब देखो फ्रेशर ऑफिसर आर नॉट गेटिंग जॉब ये एकदम गलत इंफॉर्मेशन है यार गलत इंफॉर्मेशन है कोई भी किधर से भी ट्रेनिंग कर लेगा बिना स्पॉन्सरशिप के और फिर बोलेगा कि अपने को जॉब नहीं मिल रहा है फ्रेशर ऐसे ही घूम रहे रोड पे ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है सही रास्ते से ज्वाइन करो बराबर शिप मिल रहा है विद इन टू मंथ्स थ्री मंथ्स कोई वेटिंग नहीं है जिन्होंने गलत रास्ते से ज्वाइन कर लिया उनका तो भाई कुछ नहीं कर सकते इतना बता रहे और लाइव सेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ हैं जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको एग्ज़ाम रिलेटेड ज्वाइनिंग रिलेटेड और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब मैं शोभित से मिल के आया हूँ शोभित बोले तो अपने लाइफ एक्स करियर एट लाइफ एक्स करियर यूट्यूब पे चैनल है दोस्तों उसको जरूर चेकआउट करिए आपके सारे काम की चीज़ें सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं लेकिन प्रमोशन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑथेंटिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है बाकी अपना कोई पर्सनल बेनिफिट है नहीं गुड नाइट सर ओके यार सो जाओ यार गुड नाइट मैं थोड़ा देर और जगता हूँ आई एम का रैंक एक बस एक यर एक चीज़ है ये इसका मतलब ये नहीं गारंटीड नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें होती है उसके साथ आई एम में रैंक अच्छा होगा तो आपके चांसेस बढ़ते हैं बस आपको पूरा इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी और ऐसा है कि लाइव सेशन में करने का एक और रीज़न है कि अगले तीन दिन मैं गायब होने वाला हूँ और कोई वीडियो वीडियो शूटिंग वूटिंग नहीं होने वाली है ट्राई करूँगा एक ब्लॉग बनाने का क्योंकि मैं जा रहा हूँ दमन एंड दीव अपने दोस्तों के साथ और वो होने वाली है धमाकेदार पार्टी तो अपने को अभी पैकिंग भी बचा हुआ है अपना कुछ कुछ तैयारी भी बचा हुआ है तो वो सब अपने को करना है तो मैंने सोचा था कि यार एक ब्लॉग में मैंने बोला अभी मैं लाइव सेशन करूँगा तो चलो वो वादा भी रखना ज़रूरी है तो लाइव सेशन करेंगे अब तो सीख गया हूँ मैं ये गोपरो ओपरों को रखो साइड में लाइव सेशन के लिए अपना मोबाइल फ़ोन मस्त है मोबाइल फ़ोन से लाइव सेशन करो तो आप ये फोन सीख गए अपना ये रोड वायरलेस माइक है तो ऑडिबल भी होऊंगा मैं कोई टेंशन नहीं अपने को या कॉलेज बेलापुर अरे कॉलेज से क्या करोगे यार कॉलरशिप देगा तुमको स्कॉलरशिप नहीं देगा शिपिंग कंपनी कौन सी अच्छी है कहाँ से इस्पॉन्सरशिप लेना है अगर रेटिंग हो तो टी एस रहमान से ट्रेनिंग करो जहाँ पे कि शिपिंग कंपनीज आती है अपने चांस बढ़ाओ इंस्टीट्यूट्स का कुछ नहीं होता इंस्टीट्यूट बस अपने पैसे कमाते हैं और कैंडिडेट से पैसे लेते हैं कोर्स का सर्टिफिकेट देते हैं उनके पास शिप है ही नहीं तो उनसे क्या करने का आप लोग के क्वेश्चन ही रॉन्ग होते हैं और और एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं मेरी कैसा है सर आई एम फ्रॉम इसने क्या बोला यार रिशु रिशु आई एम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड वॉट डू थिंक आई कैन कम इन दिस लाइन हाँ भाई आप एट लाइफ एक्स करियर को फॉलो करो पुअर बैकग्राउंड कोई प्रॉब्लम नहीं है लोन वगैरह सब मिलता है यार तो सबका प्रोसीजर है वहाँ पे वो बताते हैं मिस्टर शोभित उनको अगर आप इंस्टाग्राम पे लाइफ एक्स करियर पर फॉलो करेंगे तो वो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और पर्सनली काफ़ी हेल्प करते हैं बहुत ही हेल्पिंग है मैं तो उतना हेल्पिंग नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली वो बहुत डेडिकेटेड बंदे बहुत वर्किंग बंदे हैं तो उनको आप फॉलो करो वुड बी रियली हेल्पफुल अरे अरे इतना फास्ट कॉमेंट जा रहा है यार कैसे आदमी पढ़ेगा और रिप्लाई कैसे करेगा आ, सिर्फ सेवेंटी लोगों में इतना एक गया यार कुछ तो अच्छा क्वेश्चन था वन सेकेंड का लाइफ ऑन गैस कैरियर अच्छी है अच्छी है लाइफ अच्छी है भाई आजकल कल शिप इतने सेफ बनते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेफ्टी वगैरह का यस जॉब जॉब प्रेशर वर्क प्रोफाइल शिप टाइप पे चेंज होगा वैसे फ्यूचर गैस है अगर गैस में जाने मिल रहा है तो बिंदास चले जाओ स्टैमरिंग वाले मरचे ने अभी नहीं भाई स्टैमरिंग देखो कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा बहुत ज़रूरी स्किल है जो चाहिए वो इंटरव्यूअर चेक करेगा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मगर स्टैमरिंग कैन बी अ प्रॉब्लम क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है स्पेशली फॉर डेक ऑफिसर्स इंजीनियरिंग साइड में भी कम्युनिकेशन तो यार की है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है बट मैं सही आदमी नहीं हूँ इसके बारे में बताने के लिए आपको सीधा किसी मरीन डॉक्टर से चेक कराना चाहिए आपको और ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम होगी तो देन स्टैमरिंग कैन बी अ प्रॉब्लम सिंपल बात यह है यहाँ पे मेक अ वीडियो एम एम डी एग्जामिनेशन एम एम डी के एग्जामिनेशन एट लाइफ एक्स करियर एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एट लाइफ एक्स करियर पे सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए उनको एट लाइफ एक्स करियर मैं बता रहा हूँ सब काम आपका मस्त हो जाएगा कुछ डाउट नहीं बचेगा मेरे चैनल पे वीडियो देखो उनसे आप टच में रहो या उनका वॉच करो सब क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहे हैं मार्क्स करेटशिप मार्क्स की करडेटशिप गुड है यार मार्क्स की कैरेट शिप मार्क्स इज अ वेरी गुड कंपनी बट प्रमोशन आपका स्लो होगा कैरेट शिप के बाद आप इमीडिएटली कंपनी चेंज नहीं कर पाओगे फिर थर्ड ऑफिसर में आपका प्रमोशन वगैरह हो स्लो होगा तो अच्छी कंपनी बुरी कंपनी ऐसा कुछ नहीं होता है अच्छी कंपनी बुरी कंपनी वो है कि आपको क्या चाहिए आपको जल्दी प्रोमोशन चाहिए तो एक मीडियम लेवल की मैनेजमेंट कंपनी में चलो और आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो मॉक्स ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनी में काम करो प्रमोशन के लिए भूल जाओ प्रमोशन होगा आराम से धीरे-धीरे मगर अच्छी फैसिलिटी मिलेगी अच्छा इंटरनेट मिलेगा सब कुछ अच्छा मिलेगा तो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए ओएस बनके 36 मंथ्स करने के बाद सेकंड मेट एग्जाम दे सकते हैं क्या यार एग्जाम तो आप दे सकते हो टेक्निकली आप सेकेंड मेड लाइसेंस भी आपको मिल जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है रेटिंग बैकग्राउंड से कोई भी कंपनी बहुत ही कोई भी कंपनी हायर नहीं कर रही है ऑफिसर्स को सेकेंड मेड लाइसेंस के बाद भी मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो फिर भी ए और ओ में सेलिंग कर रहे हैं तो और आप लोग को ना अपने करियर के बारे में आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कोई टेंथ ट्वेल्थ का बंदा है यार पहले ही डिसाइड कर लो आपको क्या बनना है और उसी हिसाब से आप पढ़ाई करो प्रिपरेशन करो आजकल कर बहुत कॉम्पिटिशन है ऐसा नहीं है कि आज मैं ये कर लूँ आज मैं वो कर लूँ अपना पूरा फोकस आपको एक चीज़ में लगाना है और पहले ही डिसाइड होना है कि क्या करना है ये नहीं कि बाद में बाद में सोच रहे कि हम ऑफिसर बन जाएँ या ये बन जाए स्टार्टिंग से बन बनो यार केडेटशिप ज्वाइन करो ट्वेल्थ में अच्छे एग्जाम लाओ इतना कॉम्पिटिशन है पूरी एनर्जी एक जगह लगाओ आज ये आज वो खुद ही दिमाग में कन्फ्यूज़ रहोगे तो सक्सेसफुल होने का चांस बहुत कम है सर टॉम एज अ क्रेडिट एन ऑफिसर कैसी कंपनी है प्रमोशन फैसिलिटी सैलरी अगेन यार टॉम बहुत अच्छी कंपनी है प्रमोशन आपका स्लो होगा उसमें मैं खुद चीफ ऑफिसर रैंक तक टॉम में सेलिंग कर चुका हूँ और उसके बाद मास्टर प्रमोशन के लिए मैं बाहर गया हूँ और उसके बाद से मैं किसी दूसरी कंपनी में हूँ क्योंकि टॉम में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सी टाइम करना पड़ता है एज अ चीफ मेट तो ये सब सीन है हेलो सर आई एम योर बिग फैन राम 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 भाई अमन कुमार राम राम बहुत कम लोग हैं जो राम राम बोलते हैं आजकल हाय हेलो चलता है नाइस टू हियर दैट यस दोस्तों मैं एंग्लो में हूँ आडमोर फ्लीट यस yes. हाँ वीडियो ऑन रेफरेंस मिस्टर जय का क्वेश्चन है वीडियो ऑन रेफरेंस तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने लाइफ एक्स शोभित के साथ शूट किया हुआ है उन्होंने मेरे से पूछा हुआ है उनके चैनल पे ये वीडियो लाइव है ऑलरेडी आप कुछ मत करो आप सीधा जाओ यूट्यूब पे एट लाइफ एक्स करियर और उसमें वीडियोस देखो अभी रिसेंट वीडियो है यार उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था तो उसमें जाइए आप डिटेल में आपको पता चल जाएगा अफेक्ट ऑन सैलरी बाय कोरोना नथिंग कोरोना में कुछ भी नहीं रुका है कोरोना में शिप शिपिंग रिलेटेड शिप चले हैं वैसे ही चले हैं चेंज नहीं हुआ लोगों का देखो ये धनंजय कैरेट उसका कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा टाइम हो गया था वो मिसिंग है यू नो अब एग्जैक्टली क्या हुआ पता नहीं उसका एक अलग से लाइव वीडियो डाला है मैंने चलो उसके बारे में बात नहीं करते तो भाई लोग कोरोना से कुछ टेंशन नहीं है शिपिंग का प्रूफ हो गया कि शिप नहीं रुकते शिप चलते हैं शिप चलेंगे और चलते ही रहेंगे तो कोरोना से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैक्सिमम फर्क ये पड़ेगा कि सैलरी अभी इमीडिएटली बढ़ेंगी नहीं कम तो नहीं होने वाली सीनियर रैंक में तो बिल्कुल कम नहीं होने वाली जूनियर रैंक में भी कम नहीं होगी मेरे को लगता है हाँ एक क्वेश्चन आया टेल हरासमेंट हाँ हरासमेंट का ही तो केस है ये जो डाउट कर रहे हैं यू नो पूरे यकीन से तो मैं नहीं कह सकता बट हरासमेंट होता है मर्चेंट नेवी में एंड स्पेशली इंडियन ऑफिसर्स बहुत हरासमेंट करते हैं मैं जानता हूँ इसीलिए मैं अपने चैनल पे मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया था डेविड डेक अनफॉर्चुनेटली मेरी कंपनी को पसंद नहीं आया तो वो सब वीडियो वो लोग मुझे डालने नहीं दे रहे तो मैं डाल भी नहीं रहा हूँ ये यार ऑफकोर्स मेरा जॉब मेरी कंपनी इज़ मच प्रायोरिटी दैन दिस यूट्यूब ये तो मैं बस फ्री टाइम में करता हूँ अपना यू you नो know, मूवी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आईपीएल या टीवी देखने की बजाय ये करते हैं हम और शिप में भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता है तो उसमें भी कुछ कुछ कर लेते हैं तो एनी ऐसा है तो उसमें मैंने बताया था कि यार कैरेट कॉफ़ी चाय बनाने के लिए और आपका पर्सनल सर्वेंट नहीं होता है वो ट्रेनिंग करने आता है वो भी एक ऑफिसर होता है बस वो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है उसको भी रेस्पेक्ट दो उसको भी अच्छे से ट्रीट करो उसके भी उसको भी भाई रेस्ट चाहिए वो भी इंसान है मशीन नहीं है और दिन बाद गाली गलौज दो ऐसा नहीं है कि मशीन है उसको फ़र्क नहीं पड़ता यार उसको भी फ़र्क पड़ेगा और कैरेट तो यंग होता है उन्नीस बीस इक्कीस साल के लड़के होते हैं यार उनको अगर मेंटली उनको आपको टॉर्चर नहीं करना चाहिए और मेरे को लगता है प्यार प्यार से आप जितना काम करा सकते हो ना मार के चिल्ला के और उनको टॉर्चर करके कभी नहीं करा सकते मैंने तो कभी प्रॉब्लम नहीं फेस किया यार इतने साल हो गए सत्रह अठारह साल हो गए मेरे को मैंने प्यार प्यार से कैरेट्स को सिखाया भी उनसे काम भी कराया ये नहीं बोलता कि यार मुझे गुस्सा नहीं आता मैं भी इंसान हूँ कभी कभी चिल्लाया भी है एक दो बार मगर यार हमेशा नहीं ऐसा नहीं कि टॉर्चर कैरेट सब मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है अभी भी हल्वाई होती है जिसके साथ भी सेलिंग कर लो व्हाट्सएप चलता है अपना दोस्ती यारी मिलते हैं अच्छा लगता है यही सब तो चाहिए सेलर्स के लिए सेलिंग करो यार कंपनी वालों के लिए सेलिंग मत करो सेलर्स के लिए सेलिंग करो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छा होगा और आपका शिप अच्छा परफॉर्म करेगा और भाई कोई अच्छा क्वेश्चन है तो ठीक है ले लेते हैं अदरवाइज सेशन को बंद कर देंगे बट आई एम वेरी हैप्पी यार मेरा सरप्राइज़ लाइव सेशन था ऑलरेडी 136 लोग हैं यहाँ पे 35 लोग लाइक भी कर चुके हैं वेरी नाइस वेरी नाइस और इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी के बारे में तो वीडियो था यार हटवा दिया ना क्या करूँ बट इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी फ़िलहाल बैंड है दोस्तों कुछ कंपनीज़ ने बैन कर दिया है कि नए यंगस्टर्स के पास मत करो क्योंकि एक तरीके से वो हरासमेंट होता है मतलब लोगों को कंट्रोल नहीं रहता प्यार से अच्छे अच्छे मोटिव से करो फन की तरह करो जैसे कि हमने भी किया था तो ठीक है लेकिन लोग उसको अलग तरीके से ले लेते हैं तो फिलहाल देखो कंपनी ये सब चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए अगर आपको शिप में ऐसा कोई बंदा है, चुप मत रहो स्ट्रेस में मत रहो बस सीनारी शिप से उतर के घर आ जाओ यार वापस मगर चुपचाप जूम मत सहो देखो पाप करने वाला तो पापी है ही पाप सहने वाला भी पापी है तो सब नहीं करना चाहिए ज़्यादा ओके बी कंपनी ठीक ठाक है यार ठीक ठाक है रतन कुमार क्या इतनी जॉन्ट शिप डूब जाती है अरे नहीं यार नहीं डूबती क्यों डूबती है कहाँ आपने रिसेंटली कोई केस सुना बिना बिना ग्राउंड हुए ऐसे ही जहाज ओपन सी में टू यू नो डूब गया यस yes, कंटेनर मानता हूँ रिसेंटली एक दो कंटेनर बीच में टूट के अपने इंडियन ओशन में सॉरी अरेबियन सी में टूट गए थे वो होता है बट मोस्टली आज कल शिप बहुत सेफ़ है ऐसा कुछ नहीं होता सर कैरेट का वेटिंग पीरियड कितना है एंग्लो ईस्टर्न में कोई वेटिंग नहीं है भाई डॉक्यूमेंट लाते ही ट्रेनिंग करते ही विद इन टू मंथ्स कैडेट लोग मेरे बोलते हैं कि सर हमें तो ज्वाइन भी नहीं करना था ट्रेनिंग के बाद हमने सोचा एक दो महीना गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं थोड़ा मस्ती मारते हैं इधर उधर लेकिन सर कंपनी तो पीछे पड़ी चढ़ाने के लिए तो ऐसा सीन है भाई दो महीने तीन महीने के अंदर यस तो सही रास्ते से ज्वाइन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ मस्त चल रहा है ये जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में फ्लडिंग है जॉब नहीं है ये कुछ रिसर्च ही नहीं करते कुछ देखते नहीं है घर में बैठे बैठे शिप में सेलिंग करते करते ऐसे ही बोलते रहते हैं और खुद सेलिंग करते रहते हैं और खुद कमाते रहते हैं और ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं सबको सीनार जी बहुत अच्छी कंपनी है प्रमोशन स्लो होगा फैसिलिटी अच्छी मिलेगी कैडेट टू कैप्टन कितना टाइम लगता है दोस्तों मैं तो मैं तो बहुत लकी था साढ़े ग्यारह साल में, में मेरा हो गया लेकिन आज की डेट में प्रैक्टिकली आपको पंद्रह साल लग जाएगा जिस हिसाब से प्रमोशन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट ये भी ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट हो तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा प्रमोशन तो सी टाइम पे ही होगा अपने टाइम पर ही होगा ये तो बता दिया इसको बोलो 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 भाई लोग कोई अच्छा सवाल दो यार वही कंपनी कंपनी ये कंपनी वो कंपनी अरे यार पच्चीस बार रिपीट कर करके मेरा तो मुँह ही थक गया है डब्ल्यू 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 डॉट जॉब शिप्स डॉट कॉम पर जाइए जितनी कंपनी लिस्टेड है सब कंपनी अच्छी है वहाँ पे एक एक कंपनी का तो हम नहीं बता सकते ना और किसी कंपनी को ख़राब यहाँ बोल भी नहीं सकते लाइफ है कि नहीं सी पोर्ट मुझे नहीं पता यार ये क्या हाँ सर मेरे ट्वेल्थ में ओवरऑल फिफ्टी फाइव परसेंट आया तो अब क्या कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे भाई पचपन परसेंट तो आप एलिजिबल ही नहीं हो आपने ड्रॉप क्यों नहीं लिया मैंने खुद ड्रॉप लिया ट्वेल्थ को मैंने दो साल पढ़ा है अगर आपको मालूम था कि आप कमज़ोर हो तो उससे चाहिए कि आप ड्रॉप लो नेक्स्ट ईयर अच्छे परसेंट लेके स्पॉन्सरशिप लो क्रेडशशिप करो इतना ईजी है मैंने खुद ट्वेल्थ को दो, दो साल पढ़ा आराम से क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट ईयर में, में मेरे मार्क्स कम आएंगे फिर मैं एट्टी परसेंट लेके आया मेरा स्पॉन्सरशिप मिल गया मुझे तीन महीने में और अपनी लाइफ मस्त चल रही है तो ये सब आप लोग को डिसीजन पहले लेना चाहिए पहले और पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था और बताने वाले अभी भी बताएंगे कि पचपन है पचपन परसेंट लाए चलो कोई बात नहीं यार हमें हमारे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कर लो इतने पैसे दे दो एजेंट के पास दे जाओ इतने पैसे दे देंगे तुम्हें तुम्हारा ट्रेनिंग करवा देंगे तो वादा करने वाले तो वैसे लोग हैं क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने हैं आपसे एजेंट तो बोलेगा ही कि आ जाओ मेरे पास पचपन है पैंतालीस है कोई बात नहीं पैंतीस परसेंट अरे कोई बात नहीं यार फेल हो गए अरे कोई बात नहीं यार छः लाख लाओ दस लाख लाओ कराते तुम्हारा ऐसे ऐसे तो एजेंट भरे और आप लोग ही उन एजेंट्स का धंधा चलाते हो योर आईज आर ऑलवेज वाइड ओपन येस वाइड ओपन बिकॉज मैं आपका कॉमेंट भी पढ़ रहा हूँ राघव वशिष्ठ मेरा बहुत ही ख़ास दोस्त है प्रांशु वशिष्ठ नाइस इस आंखें थोड़ी बड़ी हैं और आई थिंक मे बी अभी ज़्यादा खुली भी होगी क्योंकि आप लोग कमेंट मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ एक्चुअली मोबाइल को मैं थोड़ा पास लाता हूँ चलो चलो मेरा व्यू ख़राब हो जाएगा लेकिन मुझे कमेंट बराबर पढ़ने को मिलेगा ये बंदे ने अच्छा बता दिया यार आँखें फाड़ फाड़ के स्क्रीन देखने से अच्छा है कि स्क्रीन को पास में कर लो हाँ भाई अभी थोड़ी नॉर्मल हो गई कि नहीं आँख नॉर्मल अब पंगा ये कि कैमरा इसका राइट साइड में कॉमेंट आता है लेफ्ट में तो भहंगा लगता है आदमी स्क्रीन पर ऐसा लगता है कि उधर किधर दिख रहा है कोई बात नहीं डी एन एस बेस्ट है यस डी एन एस बेस्ट है मगर अच्छी कंपनी के स्पॉन्सरशिप के बाद ही ऋत्विक जैनी एनकेयर को बुलाओ एनकेयर को बुलाओ एनकेयर को, को बुलाएंगे तो यार एनकेयर शायद से रोएगी लेकिन आप लोग डिमांड कर रहे हो तो फिर दो मिनट वेट करो मैं ट्राई करता हूं उसको बुलाने का

से हेलो हेलो बोलो आई लव यू ऑल आई लव यू ऑल या और बोलो और क्या बोलोगे फ्लाइंग किस दे सकते हो हाँ फ्लाइंग किस भी दे सकते हो दे दो फ्लाइंग किस अरे वाह 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 वेरी गुड और बेबू हम लोग वीडियो के एंड में क्या बोलते हैं हाँ क्या बोलते क्या बोलते स्टे फिट जय हिंद बोलते ना स्टे फिट जय हिंद हाँ जय हिंद चलो तो बहुत ही अच्छा जाओ खेलो आप खेलो मैं लाइव सेशन अब भी खत्म करके आता हूं ओके जिन्होंने एंजॉय किया वेरी नाइस और जिनके ठीक हाँ, ठीक है ठीक है ओके okay. क्या बता एनकेरे बिग फैन ओ थैंक यू यार थैंक यू आप लोग की वजह से ही ऐसे ऐसे प्यार मिलते हैं ना इसी से ये मेरा चैनल चलता है और मुझे मोटिवेटेड रखता है अच्छा से अच्छा काम करने का हम रोज ट्राई करते हैं कुछ नया सीखे थोड़ा इंप्रूव करें अपने आप को अपने काम को हाई वेव्स सर हाउ हाई वेव्स हैव यू सीन दस मीटर बारह मीटर यस बट रेयरली होता है यार हमेशा नहीं होता है कोई टेंशन नहीं लिया करो बैड वेदर के लिए यार समुंदर में आए हो बैड वेदर से कहाँ बचोगे मिलना ही है कॉन्ट्रैक्ट में दो तीन बार तो मिलेगा ही आपको बैड वेदर कोई बात नहीं झेल लेने का हुँ? ओके okay, दोस्तों अब बीस मिनट के ऊपर हो चुके हैं मैं जल्दी ही लाइव फिर से आऊँगा मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता एक्चुअली अब मेरे पास कुछ खास है नहीं डिस्कस करने के लिए और मेरा जैसे कि मैंने बताया कल से मेरा दमन का ट्रिप चालू हो रहा है मेरे खास दोस्तों के साथ तो मेरा कुछ पैकिंग पुकिंग बचा हुआ है तो वो सब मैं करता हूँ स्टे फिट जय हिंद आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन गाइज एंड इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू ऑल आई रियली एन्जॉयड इट और अब मुझे समझ में आ गया कि लाइव सेशन कैसे कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम ये टेक्निकल ग्लिच भी नहीं होंगी टेक केयर बाय गुड नाइट